Next 5 minutes, I will complete. Thank you. Okay, sir. Roll, sir. Yes, sir. कंगना ने जो कुछ बोला है वो उसकी पर्सनल ओपिनियंस है, उससे उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने जो बोला, जिसके बारे में मुझे पूछा गया, वो वक्त भी ठीक नहीं था, स्थान भी ठीक नहीं था, फिर भी पत्रकारों ने मुझे पूछा, उस पर मैंने जवाब दिया कि वॉट एवर शी हैज सेड इज करेक्ट, क्योंकि उसके खुद के कुछ कारण होंगे ऐसा कहने में, वैसे मेरे भी कारण है। कंगना की मेरी कोई पहचान नहीं है, लेकिन मेरी पहचान मेरे पॉलिटिकल स्टडी से है। मुझ जैसे आदमी को वाकई ऐसा लगा कि जिसे रियल फ्रीडम बोलते हैं वो 18 मई 2014 को मिला। दिस इज़ माय ओपिनियन, मानना न मानना ये आपकी मर्जी है। मेरा देश आज पूरे वर्ल्ड के सेट पे आज एक वेरी स्ट्रांग नेशन करके खड़ा हो रहा है, इसलिए मुझे बहुत गुरूर है, बहुत आनंद है। ये मेरा मत है, ये किसी पे मुझे लादना नहीं है, थोपना नहीं है, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, दिस इज़ माय आंसर। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट मोर अबाउट दिस पॉइंट। पॉइंट नंबर टू, आर्यन शाहरुख गलत जगह पे, गलत सवाल, इररिलेवेंट सवाल मुझे पूछे जाते हैं, मैं बहुत गुस्सा होता हूँ। फिर भी पूछा गया तो मैंने कहा, मेरा पहला जवाब ये था कि नो कमेंट्स, लेकिन नो कमेंट्स के बाद भी पत्रकार जब और कुछ अंदर आना चाहते थे उनको मैंने तभी रोका, और मैंने कहा कि आगे आप जो बोलने वाले मुझे मालूम है, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, नोबडी कैन हार्म मी इन बॉलीवुड, नोबडी, ये मैंने बोला है, कोई भी। खैर, इसका मैंने जवाब दिया है। मेरे ही दृष्टि में मेरा ऐसा मानना है कि आर्यन खान, शाहरुख खान, विक्रम गोखले और कोई हो, इनसे सबसे बहुत बड़ा नायक जो है वो दो चार दिन आगे पीछे हम लोगों की रक्षा करने वाला उन 21 साल का जो एक लड़का अलगतावादी जो है, दहशतवादी जो है, उसकी गोली से मारा गया, वो मेरा नायक है। इसी तरह के और बहुत मुद्दे हैं जो हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस पर मैंने बोल दिया है कि टू मी दैट बॉय हु गॉट किल्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर थ्री, मैंने ये कहा था कि ये जो हमारा मुल्क है, हमारा देश है, वो सफरनी रहेगा, भगवा रहेगा। जिसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं या हिंदी में सेकुलरिज्म कहते हैं, उस पे वो लफ्ज़ों पे मेरा विश्वास है, लेकिन पिछले कई दशकों से हमारा मुल्क जिस सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को हम संभाल रहे हैं, ऐसा दिखा रहा है, इट इज़ नथिंग बट सूडो सेकुलरिज्म। आई डोंट बिलीव इन सच सूडो सेकुलरिज्म। पॉइंट थ्री इज ओवर, पॉइंट थ्री इज़ ओवर। बीजेपी एंड शिवसेना, दे शुड कम टुगेदर, दिस इज माई वेरी ऑनेस्ट विल, बिकॉज बोथ दीज, मैं बीच में अंग्रेजी बोलूँ तो चलेगा, हिंदी में ठीक है, ठीक। शिवसेना और भाजपा फिर से एक बार उन्होंने एक होना चाहिए, ऐसा मुझे बहुत ऑनेस्टली लगता है, क्योंकि 25 साल बड़ा भाई छोटा भाई ये रिश्ता होने के बाद अचानक कुछ हो गया। एक्चुअली ये लोग एक ही एजेंडा लेके कुछ काम कर रहे थे, जो हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी था, ज़रूरी है,
तो ऐसे लोगों ने समविचारी जो है ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज में इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है फॉर द नेशन, फॉर द नेशन। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को जनता ने मतदान किया, लेकिन उनका भ्रम निराश हुआ, दे वर डिसीव्ड, विश्वासघात हुआ उनका। ये दोनों पक्षों ने अंदर क्या चला पीछे, पर्दे के पीछे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नाउ दे आर नॉट टुगेदर। अब 25 साल की दोस्ती तोड़ी गई, किसने तोड़ी, कौन जिम्मेदार, आई डोंट नो, लेकिन वो दोनों ने इकट्ठा होना चाहिए, ये मेरा बहुत ऑनेस्टली मेरा कहना है। बिकॉज दे विल वर्कशॉप परहैप्स, बोथ दीज पार्टीज विल परहैप्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। ऐसा है कि पॉलिटिक्स में जो लोग समविचारी होते हैं उनको इकट्ठा वो कैसे ना आए, इसलिए बाकी लोग जो जमा होते हैं जिनका आपस में ज़िंदगी में कभी रिश्ता नहीं है, एजेंडा सरीखा नहीं है, वो अचानक इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे लोगों पे मैं भरोसा रखता नहीं हूँ। तो आई डोंट थिंक आई शुड मेक मोर कमेंट्स अबाउट दिस। आई फील दैट मुझे ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए इन पावर कि जो मेरे देश के लिए काम करे, दैट्स ऑल। अवार्ड्स, अवार्ड्स लेके फिर अवार्ड वापसी वगैरह ये नाटक करने वाला मैं नहीं हूँ। ज़िंदगी के कम से कम 20 साल मैंने बिताए हैं अवार्ड्स पहले से ही रिफ्यूज़ करने में। जिस अवार्ड्स को या जिन अवार्ड्स को लेके लोग बहुत खुशी से नाचते हैं, ऐसे अवार्ड्स को रिफ्यूज़ करने वाले दो एक्टर हैं हिंदुस्तान में, एक मैं और एक बॉलीवुड का एक हिंदी फिल्मों का एक्टर है, दैट्स ऑल। तो मेरी एक्टिंग की एबिलिटी क्या है, डायरेक्शन की एबिलिटी क्या है, ये अवार्ड्स पे नहीं होता है। अवार्ड्स की कोई गिनती नहीं, दूसरा बंगला लेना पड़ेगा मुझे अवार्ड्स रखने के लिए, इतने अवार्ड्स अभी मिल गए हैं। ओवर अवार्ड्स के सिलसिले में एक याद मुझे आई बात, वो आपको बताना चाहता हूँ और गुरूर से कहता हूँ कि मेरे वालिद साहब चंद्रकांत गोखले, जो अब अभी हमारे यहाँ नहीं है, रहे नहीं हमें, उनका एक सत्कार था पूना में, हज़ारों लोग खड़े थे, सामने बैठे थे। तो जो इंटरव्यूअर था उसने पूछा कि गोखले साहब, कभी न कभी हर एक को जाना होता है, आप जब जाएंगे तो वापस अगर आपको जन्म पुनर्जन्म मिला तो आप क्या बन, क्या आपको कौन सा जन्म चाहिए? तो मेरे वालिद साहब का ये जवाब था कि नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन अगर मुझे जन्म मिला तो फिर मनुष्य का मिलेगा तो अच्छा होगा, और वो भी एक्टर का, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी कि मेरा जन्म मेरा बड़ा बेटा विक्रम गोखले इसके घर में होना चाहिए, मैं वो मेरा बाप होना चाहिए, इतना मेरा वो अच्छा बेटा है। इससे बहुत बड़ा कोई भी पुरस्कार मेरे लिए मायने नहीं रखता है। दिस इज़ व्हाट ऑल आई वांट टू से। मैंने पत्रकारों पे कोई गुस्सा नहीं किया, कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। आप जो करना चाहते हैं आप ज़रूर कीजिए, वो आपका पेशा है, धंधा है, जैसा मेरा पेशा है वो करता रहता हूँ, आप भी करते रहिए, लेकिन ज़रूरी चीज़ें दिखानी चाहिए, वो जब आप दिखाते नहीं हैं तो मुझ जैसा आदमी खामखा एक टारगेट बन जाता है क्रिटिसाइज़ करने वालों के लिए। इतना ही मेरा कहना है कि जो क्रिटिक्स हैं उनके खिलाफ मेरी कोई तकरार नहीं है, पत्रकारों के खिलाफ भी मेरी कोई तकरार नहीं, मेरी अपनी वजह है, तकरार क्यों नहीं है,
मैं कोई किसी पर मेरा गुस्सा नहीं है, बड़ा शांति से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे किसी भी झूठ चीज़ की झूठ बात का मुझे गुस्सा आता है, तो जितना हो सके उतना सच्चाई की तरफ हम सारे लोग अगर आगे बढ़ते रहेंगे कि सच क्या है, सच जानने की कोशिश हम करें तो शायद पूरे समाज के लिए अच्छा होगा। ये मेरी धारणा है, ये मेरा अपना मानना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। क्या भाई क्वेश्चन ले रहे हो? कैसे है आप? ओ भाई क्वेश्चन ठीक है। एंड यू? बढ़िया सर, आपके बस अभी जो घर आए थे वो घर अभी बहुत ताज़ा हो गए हैं, इसका घर है अभी वो। अच्छा बराबर, उसके घर पर होता है भाई उसको। सर कैन वी गेट सम इंग्लिश बाइक्स? सीएनएन न्यूज़ देखिए।